आप देख रहे हैं जेबीटी आवास टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। बालाघाट जिले के विभिन्न क्षेत्रों से गन्ना कटाई ठेकेदार द्वारा 400 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लेकर गया, जो सुबह से शाम तक गन्ना कटाई करवाने के बाद मात्र 200 रुपए दे रहा था, जो न्याय संगत नहीं था, जिसकी शिकायत कुछ महिलाओं ने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर सारे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी और ये भी बताया कि ठेकेदार द्वारा सभी मजदूरों को बंधक बनाकर रखा है, जिसकी सूचना पर जिला प्रशासन बालाघाट कलेक्टर महोदय ने महाराष्ट्र प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क किया और परभणी थाने में शिकायत और FIR दर्ज कराई और समस्त मजदूरों को जिला प्रशासन द्वारा भेजी गई टीम ने परभणी पहुंचकर सभी मजदूरों को वापस लाया गया, मुक्त किया गया और आर्थिक सहायता प्रशासन द्वारा। क्या पूरा मामला है, किस तरह से? देखिए, इन लोगों को गन्ना कटाई के लिए परभणी ले जाया गया था और जो ठेकेदार थे बीच में उन्होंने इनको परभणी ड्रॉप किया, वहाँ के ठेकेदार ने फिर किसान के यहाँ इनको लगाया। इनको ये बोल के ले जाया गया था कि 450 रुपये पर डे के हिसाब से इनको मजदूरी मिलेगी, लेकिन वहाँ पे इनको टन के हिसाब से सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक काम कराया जाता था और इनको 200 के आसपास मजदूरी दी जाती थी, खाना वाना भी नहीं मिल रहा था। हमें जो है पार्वती करके एक लेडी है, उनके माध्यम से जिला प्रशासन को सूचना मिली कि साहब हमको यहाँ से निकलवाइए, हमको परेशान किया जा रहा है, हमको आने नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो पूरा मामला था हमारे संज्ञान में आने के बाद हम लोगों ने जिला प्रशासन परभणी से बात करके वहाँ के तहसीलदार और वहाँ के TI इन लोगों से कोऑर्डिनेट किया, यहाँ से टीम भिजवाई, इनको मुक्त कराया गया और जो इसमें से 6 लोग जो है यहाँ आए खूंखार के हैं और FIR वहाँ पे दर्ज कराई गई जिला प्रशासन के द्वारा। जो ठेकेदार थे उन पे भी, जो किसान लेके गए हैं गलत बोल के, उनके ऊपर भी कराया गया है और साथ ही साथ इनको 30,000 रुपये तत्कालिक सहायता रेडक्रॉस से अभी दी गई है और इनका केस जो ट्रायल खत्म होगा, अगर वो लोग कन्विक्ट होंगे तो 1,00,000 रुपये हर मेंबर को मिलते हैं 15,000 रुपये। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जिला प्रशासन ऐसे सभी ठेकेदारों को इनलिस्ट किया अब कराए, जो पंचायत में इंटर स्टेट माइग्रेशन में लोगों को लेके जाते हैं। हमारा अगला स्टेप रहेगा कि हम उन लोगों को लाइन लिस्ट करके तो उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कराएंगे। सर, लगातार ऐसे मामले बालाघाट में आ रहे हैं, इसके पहले भी आया, तो इस पर कुछ अंकुश लगाने के लिए प्रयास कर रही है? देखिए, निश्चित तौर पर हम लोगों ने ये बात महाराष्ट्र के जिला प्रशासन के साथ भी, जो बॉर्डर के हैं चाहे गोंदिया हो भंडारा हो, उनके साथ भी ये इशू उठाया है। बहुत हद तक जो हमारे यहाँ के गांव के लोग हैं ये तो इनकी लाइन लिस्टिंग हम करा रहे हैं, लेकिन जो हमारे बॉर्डर के ठेकेदार हैं जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के हैं उन पे अंकुश लगाने के लिए कंपलसरी है कि उनका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जो है पोर्टल पे होना चाहिए, क्योंकि वो जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को लेके जा रहे हैं दूसरी जगह लगाएंगे। तो जिला प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया है कि हम लोग इस पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। और कैसे छुड़ा के ला पाए इनको? शुरू में क्या पूरा मामला है? जो मामला बताया ग्रामीण थे सोनकार के, सोनकार बकवाड़ा, ये अपना तहसील बालाघाट समझ गया ना, मैं चांदपुला के पास है, तो उन्होंने मंत्री जी को शिकायत किए थे। अच्छा। कि हमारे परिवार वाले महाराष्ट्र में फंसे हुए गन्ना कटाई काम के लिए गए थे, गन्ना कटाई और उनको वहाँ से आने नहीं दे रहे, तो फिर वो कलेक्टर साहब के माध्यम से कलेक्टर परभणी को एक चिट्ठी लिखी गई कि इस संबंध में हम एक दल गठित कर रहे हैं जो परिजनों की शिकायत के आधार, तो कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में दल गठित हुआ 5 लोग के लिए, उसका नाम भी था। तो उसके बाद हम लोग वहाँ गए महाराष्ट्र मैडम से मिले, मैडम ने वहाँ पे SDM के मार्ग को, कौन से जिले में थे ये? जिला परभणी महाराष्ट्र में। टोटल 23 लोग गए ठेकेदार के माध्यम से, 3 अलग अलग टोली, तो जो एक टोली में 6 लोग थे, फिर 5 थे एक जगह और एक जगह 10 लोग। तो वहाँ पे लोकल प्रशासन ने अपनी टीम गठित की और उन्होंने जांच की, उसमें लेबर ऑफिसर थे, पुलिस के थे और तहसीलदार थे। तो जो 6 लोग थे उनके साथ ठेकेदार मारपीट करता था और जाने के लिए वो घर बोलते थे, मना करता था। यहाँ है तो 30,000 रुपये कलेक्टर के द्वारा दिया गया जी। यहाँ पे अभी जो बंधक श्रम का एक नियम है, तात्कालिक सहायता दी जाती है। तो आपका परिचय बताएं पूरा? पूरा लेबर इंस्पेक्टर हूँ आशीष बालाघाट से जी। मुझे वहाँ दल के साथ भेजा था, तो SDM साहब ने उनको वहाँ पर बॉन्डेड डिक्लेयर किए परभणी में SDM पर। उसके बाद उनका रिलीज सर्टिफिकेट हम लेके आए यहाँ पे, यहाँ पे जो प्रावधान अनुसार वो दी गई, बाकी सबको वहाँ काम करना चाहते हैं।